أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء ذلت اور ذلالت دینے والا وہی اللہ کی پاک ذات ہے۔ پی ڈی ایم والو اور چورو سن لو، عمران خان کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ساری دنیا میں، وہ عزت کسی اور کو نہیں ملی۔ और खेल तो अभी शुरू हो गया, मज़ा तब आएगा जब जिंदगी दाव पे लगेगी। पाकिस्तानियों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, नहीं मिलेगा आपको कोई भी इमरान खान जैसा, इमरान खान जैसा लीडर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जाओ आजमा लो ज़माना, इमरान खान को धमकी देना और इमरान खान को धमकी देने वाले सुन लो, अगर इमरान खान को ज़रा भी आंच तक आई तो हम वो करके दिखाएंगे जो सारी दुनिया याद रखेंगी। ये हार इमरान खान की हार नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हार है। हमको खान साहब ने गुलामी से निकाला है और हम दोबारा गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खान साहब ने हमें जगाया है, हम वो सोए हुए कौम नहीं है और हम अमेरिका की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और चोरों की गुलामी। शर्म करो चोरों, आज वो बंदे भी हम पे खुश हो गए जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हुर्मती की, उसके स्केच बनाए, वो लोग भी आज हम पे खुश है कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। आप लोग भी यहूदियों से कम नहीं, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों को खुश किया। आज मैंने वोट पे देखा उन बंदे का तो कसम से मुझे रोना आ गया। अगर इमरान खान ठीक बंदा नहीं होता तो ये 1000 चोर इकट्ठे होके उसे गिराने में एक साथ नहीं होते, और आप लोग की झूठी साजिशों से इमरान खान की हुकूमत तो ख़त्म हुई। मगर मुझे ये बताए, ये जो मिक्स अचार पार्टी है, आपका भी वज़ीर आज़म कौन होगा और सदर कौन होगा? इंशाल्लाह आप आपस में लड़ोगे। और डीजल साहब आपका क्या होगा? बिल्लो रानी आपका क्या होगा? मुझे फ़ख्र है कि मुझे इमरान खान जैसा लीडर मिला है। मेरा लीडर झुका नहीं, बिका नहीं, ना डरा। हम कड़े थे, हम कड़े हैं और कड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। हम हारे हुए लश्कर में जरूर है लेकिन गुलामों के लश्कर में नहीं। हम हारे हुए लश्कर में जरूर है लेकिन गुलामों के लश्कर में नहीं। इमरान खान को इख्तदार इतना अजीज था कि वो पीएम हाउस से सिर्फ अपनी एक ही डायरी ले गया। ओ चोरो, इनसे कुछ सबक सीख लो, आपकी तरह तो नहीं कि सारा पीएम हाउस लूट लिया। हिस्ट्री विल रिमेंबर वन थिंग, कि इमरान खान को करप्शन से नहीं निकाला, इमरान खान को मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं निकाला, बल्कि खान साहब को अपनी ईमानदारी और अच्छे कामों के वजह से निकाला। ही स्टैंड अगेन द ओल्ड पावर एंड माफिया इन पाकिस्तान। सोचो, अल्लाह ने आप लोगों को दिमाग दिया है सोचने के लिए, जरा सोचो, अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। अगर सारे ये चोर एक साथ खड़े हैं और ये बंदा, तो कुछ तो ख़ास तो होगा इमरान खान में। खान साहब जब यूके, यूएसए, कोरिया और फॉरेन विजिट करने जाते हैं तो एक बात मैंने नोटिस की है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर खान साहब के पीछे पीछे आती है। इतना तो पावर है खान साहब का। और हमारे ये चोर, ये जब जाते हैं तो झाड़ू मारती है वहाँ के पीएम के पीछे। मेरे कुछ भाई कहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई कर दी,
यार महंगाई आलमी दुनिया में इमरान खान ने नहीं कर दी। अब बाहर मुल्कों में देखो वहाँ कितनी महंगाई है, और महंगाई जो आई हुई है ये कोरोना वबा की वजह से आई हुई है। अगर इमरान खान पीएम नहीं होता पाकिस्तान का, तो यकीन मानो आप लोग रोटी तक नहीं ढूंढ सकते पाकिस्तान में। कोरोना जो वबा आई है, सारी दुनिया की क्या हालत हो गई है। शुक्र कर लो कि कोरोना वबा के दौरान आपका पीएम इमरान खान रहा। लीडर लीडर वो नहीं होता जो आपको टमाटर सस्ते कर ले, चीनी सस्ते कर ले, आटा सस्ता कर ले। लीडर टमाटर चीनी आटा सस्ता करने के लिए पैदा नहीं होता। वो कौमों को खुददारी और खुद मुख्तारी और आजादी से जीने का तरीका सिखाने के लिए आता है, और इमरान खान ने वो करके दिखाया। इमरान खान ने वो करके दिखाया। जरा सोचे, कुछ तो खास होगा इस बंदे में जो सारे इकट्ठे मिलके एक शख्स को गिराने के लिए खड़े हैं। कुछ तो खास होगा इस बंदे में। खान साहब कोई शाम का सूरज नहीं है। खान साहब जो ढल जाए, खान साहब कोई शाम का सूरज नहीं है जो ढल जाए। सुन लो गौर से, इंशाल्लाह अगेन हम सुपर पावर से आएंगे। पीडीएम वालों सुन लो, पीडीएम वालों हम गुलाम नहीं है, और गुलामी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। पीडीएम वालों आप गुलाम हो, गुलाम। अगर आसमान से आजादी की बारिश भी हो जाए गुलामों पे, अगर आसमान से आजादी की बारिश भी हो जाए गुलामों पे, तो जहनी गुलामी जो है ना तुम लोगों में बसी हुई है। तुम जहनी गुलाम हो, तुम उस दिन भी छतरी उठा के बाहर निकलोगे। तुम्हारी ये जहनी गुलामी जो है ना ये खत्म होने वाली नहीं है। पीडीएम वालों आपकी मिसाल मैं कबाड़ से तशबीह देता हूँ आपको। आप कबाड़ हो। अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं थे, अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खान साहब को खरीद सके, तो अमेरिका ने आप कबाड़ को खरीद लिया, आप लोगों को खरीद लिया। मैंने पहले बार ऐसे कौम को देखी है जो अपने गुलामी की जश्न मना रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान का कानून है ये सबके लिए बराबर नहीं है। आज इमरान खान साहब ने जब नजरसानी की दरख्वास्त जमा कराई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एतराज लगा दी कि वापिस किया कि छुट्टी है आज। मगर अपोजिशन की दरख्वास्त वसूल करने में चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे तक अदालत लगा ली। रात 12 बजे तक अदालत खुली रही। ये कहा कि इंसाफ है। ये कौन सी अदालतें हैं? कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। रौनकें खत्म हुई मुर्शद, रौनकें खत्म हो गई मुर्शद। मेरे यार जा रहा है, कप्तान जा रहा है, मेरे यार जा